पूर्वोत्तर से हो रहा है नए भारत का उदय। तेल, प्राकृतिक गैस और मूल्यवान खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध ये क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना इस क्षेत्र को भारत के लिए विकास इंजन में बदलने पर केंद्रित है। वे ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग पर जोर देते आए हैं। जननायक मोदी जी के नेतृत्व में आज पूर्वोत्तर बढ़ रहा है विकास की नई ऊंचाइयों की ओर, इसलिए बढ़ रही है ऊर्जा की खपत और मांग। इस विकास क्रम में योगदान देने हेतु हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा असम के कमरडांगा चिरांग में संयुक्त POL और LPG सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। 540.4 करोड़ रुपए की लागत से 78.68 एकड़ जमीन पर बनने वाली इन संयुक्त POL और LPG सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जहां आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण 20,440 KL के POL टैंकेज एवं 1500 MT के LPG माउंटेड स्टोरेज वेसल होंगे। स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था, जहां 2016 में पूर्वोत्तर में मात्र 46,02,000 परिवारों के पास LPG कनेक्शन उपलब्ध थे, वो अब बढ़कर 122,91,000 परिवारों तक पहुंच चुके हैं। ये नवीन परियोजना असम और पड़ोसी राज्यों में LPG की बढ़ती सार्वजनिक मांग को पूरा करते हुए आवश्यक ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। मौजूदा 332 रिटेल आउटलेट और आने वाले वर्षों में लगने वाले रिटेल आउटलेटों के लिए ये संस्थापन अत्यंत मददगार साबित होगा। आज 24 फरवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी के कर कमलों द्वारा HPCL की संयुक्त POL और LPG सुविधाओं का भूमि पूजन एवं शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है। इस अवसर पर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के माननीय मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री प्रमोद बोरो जी, सांसद श्री रवगंवरा नार्जरी जी, विधायक श्री अजय कुमार रॉय जी, विधायक श्री लॉरेंस इजलेरी जी, विधायक श्री जीरान बसुमन्य जी की गरिमामयी उपस्थिति इसे और भी विशेष बनाती है। आज हम सभी एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। ये महत्वपूर्ण विकास पूर्वोत्तर में आत्मनिर्भरता और सतत प्रगति हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्थिर और कुशल आपूर्ति सुनिश्चित करके ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।